लेखक, कवि, अभिनेता और तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक के कलाकार श्रीमान शैलेश जी लोढ़ा साहब आज बाबा रामदेव गार्डन पहुंचे और उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जी, रघुनाथ माली जी, काकू और उनकी टीम मौजूद रही। श्रीमान शैलेश लोढ़ा जी अक्सर कहते हैं कि सिरोही मेरे जहन में बसता है, मेरी सांसों में बसता है और यही कारण है कि वो सिरोही से नाता बनाए रखते हैं। हर बसंत पंचमी को सिरोही आना और खास खास मौके पर सिरोही आना इस बात का सबूत है कि वो कहीं भी होंगे, देश विदेश के किसी भी कोने में होंगे, लेकिन सिरोही से कनेक्शन वो बनाए रखते हैं। उनका बचपन सिरोही में गुजरा। शैलेश लोढ़ा को कवि शैलेश लोढ़ा सिरोही ने बनाया, इसलिए सिरोही को वो याद रखते हैं। और उनके परम मित्र श्रीमान रघुनाथ जी माली को वो हमेशा याद करते हैं। कहते हैं कि जब ये ढाबा था उस वक्त से वो रघुनाथ जी माली साहब से अच्छी तरह परिचित हैं और वो जब भी आते हैं इस होटल में जरूर आते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर भंवरलाल जी ने, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की, सभी ने शुभकामनाएं प्रेषित की और ये इनकी शालीनता है, ये इनकी सिरोही से प्रेम की पराकाष्ठा है। जब भी सिरोही आते हैं सिरोही को याद करते हैं, कहीं भी होते हैं लेकिन अजारी जरूर आते हैं। बसंत पंचमी के दिन देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। और सिरोही टेंपल्स की तरफ से भी कवि शैलेश लोढ़ा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।